तो दोस्तों एक और जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तो आजकल पौड़ी गढ़वाल के बहुत सारे गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही है। अभी एक हाल ही में गोदिया गांव में भी चोरियां हुई थी। हेलो नमस्कार। तो जो कोदार का बॉर्डर है वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए और पूछना चाहिए भाई इतना सामान है किस गांव से लेकर आ रहे हो, इतने नए नए बर्तन कैसे बेच दिए किसी ने। तो ये चीज़ें चेकिंग होनी चाहिए क्योंकि ये धीरे धीरे गांव की जानकारी इकट्ठा करते हैं और देखते परखते हैं कि कहाँ पे कौन है नहीं है और फिर जाके ये चोरी को अंजाम देते हैं। तो चलिए जी, हो गई एक नए दिन की नई शुरुआत और आज आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं और चारों तरफ धूप खिली हुई है। मेरे ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राज खुशी होंगे। मैं अशोक रावत स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। तो सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है। चारों तरफ इधर के साइड में धूप है, कम से कम 11 बजे तक घरों में धूप आती है। पर लेकिन अच्छी बात यह है कि शाम तक यहाँ धूप रहती है, 5-6 बजे तक धूप रहती है। सामने कंडली लेने के लिए जो पहाड़ी बिच्छू घास होता है भैंस के लिए, कुछ दिनों से या परसों से भैंस की तबीयत भी खराब हो रखी है, पेट खराब हो रखा है भैंस का, इसलिए उसे मोटा मोटा खाना दिया जा रहा है। तो चलिए जी आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे जीजाजी मोहन सिंह ने ग्राम कोला और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर आप लोगों ने और बजरंग बली के भक्तों ने चाहा तो और भी आगे जाएंगे। तो बोलिए मेरे साथ जय श्री राम। चलिए जी, अब आ चुका हूँ मैं, ऊपर मेरा ननियाल है, नीचे धारम के इन खेतों पे। तो यहाँ जो आजकल धोले के हो रखे हैं तो इनकी हल्की फुल्की कच्ची लकड़ियाँ लेने आए रखे हैं। जो धोले के होते हैं ना बुज्जे, इनको काट के और यहाँ से फिर जाएंगे घर की तरफ। तो देख सकते हो कभी इन खेतों में मैं और मेरे नानी जी घास काटा करते थे, यहाँ से लेके नीचे तक, वो पूरा नीचे तक। देखिए अभी उस साइड में धूप बिल्कुल नहीं है और इस साइड में आ चुकी है और ऊपर है जी मेरा ननियाल। यहाँ देख सकते हो बकरियां भी चल रही है मैपाल भाई की, देखो। तो दोस्तों एक और जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो आजकल पौड़ी गढ़वाल के बहुत सारे गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही है। अभी एक हाल ही में गोदिया गांव में भी चोरियां हुई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। और एक चोरी हुई है चुनाड़ी गांव में जो कि कुंजखाल के बगल में है और एक कल ही खबर निकल के आई है कि एक चोरियां हुई है तिमली गांव में जो तिमली खाल के नीचे है। तो बहुत सारे मतलब चोरियां हो रही है आजकल। एक मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, जब मैं ऐसे मुद्दों के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो गांव में लोग रहते हैं वो अवेयर हो जाएं। और जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी पौड़ी गढ़वाल से मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, तो बाहर के लोगों को, उत्तराखंड से बाहर के लोगों को अपने गांव में ना घुसने, जैसे फेरी वाले हो गए, बर्तन वाले हो गए, कबाड़ी वाले जो आते हैं, चाहे उनके पास कार्ड हो, आई कार्ड हो ना हो, क्योंकि आई कार्ड होने से थोड़ी होता है कि वो चोरी नहीं करेगा, और आई कार्ड नहीं भी हो तब भी वो चोरी करेगा, तो उसका मन का हम जान नहीं सकते। तो इनको बिल्कुल गांव में ना घुसने दिया जाए और न इनसे कुछ चीज़ें ली जाए। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे गांव में चोरियां हो रही है और ये अपनों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाए। गाँव में धारम में और यहाँ भी मामा और मामी जी और चले गए हैं शहर की तरफ। ये देख सकते हो कल तक रौनक थी और अब फिर वो शहर की तरफ चले गए हैं, शायद अब वो फरवरी में आएंगे। ये देख सकते हो पूरा ये दिनेश मामा और जी का घर है और मैं चलता हूँ नीचे मैपाल भाई के साथ लकड़ी लेने के लिए। तो उसने ये रस्सा मंगाया है सूखी लकड़ी तोड़ने के लिए, देख सकते हो मैं रस्सा लेकर भी आया हूँ। नीचे से मैपाल भाई अपनी बकरियों को चरा रहे हैं। अबे क्यों ऐसे थे? ये मारने के लिए आ रहा है क्या? आए किला कैसे? और अब मैपाल भाई इस रस्से के थ्रू सूखी लकड़ियाँ तोड़ेंगे और देखते हैं कितनी तोड़ पाते हैं। तो मैपाल भाई आजकल जो चोरियाँ हो रही है पौड़ी गढ़वाल के गांव में, इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? सबके बोस हो रहे हैं।
ये बाहर के लोगों को घुसने देना चाहिए नहीं देना चाहिए, गांव के लोगों को नहीं घुसने देना चाहिए बाहर के लोगों को ना, ज़्यादातर हाथ बाहर के लोगों का ही है। यस, तो देख सकते हो और यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ तोड़ी जाएगी। तो मेरी ये विनती है उत्तराखंड सरकार से कि जब ये लोग यहाँ से इतना सारा सामान लेकर एक एक डेढ़ डेढ़ लाख के बर्तन ले जा रहे हैं और भी कुछ सारी चीज़ें चोरी करके ले जा रहे हैं कैंपों में टप भर के, तो जो कोदार का बॉर्डर है वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए और पूछना चाहिए भाई इतना सामान ये किस गांव से लेकर आ रहे हो, इतने नए नए बर्तन कैसे बेच दिए किसी ने, तो ये चीज़ें चेकिंग होनी चाहिए और उस गांव से कॉन्टैक्ट करना चाहिए पुलिस को कि हाँ भाई इतना सामान यहाँ से गया है किसी ने बेचा है कि नहीं बेचा है, तब जाके उनको वहाँ से रिलीज करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अवेयर रहें। और अभी तो लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं हम और इसके बाद जाएंगे घर की तरफ, तो ऐसी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया कीजिए क्योंकि उत्तराखंड के खिलाफ हमारा काम है ब्लॉगिंग के साथ साथ डेली लाइव के साथ साथ उत्तराखंड की खूबसूरती के साथ साथ उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठाना भी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए जी, ये देख सकते हो महपाल भाई की बकरियाँ यहाँ पर चल रही है और महपाल भाई वहाँ रखे हुए हैं, देख सकते हो सूखी लकड़ी तोड़ने में, ये देखिए पेड़ों के बीच। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखिए पहाड़ों का, चारों तरफ धूप खिली हुई है। और ये है तपड़ाधार जहाँ की ये मेरी नानी के खेत है दोनों, यहाँ हम कभी हल लगाते थे कभी यहाँ आते थे, तो यहाँ पे एक हिसोले का पेड़ था, हिसोले खाने आड़ू खाने आता था मैं, यहाँ देख सकते हैं पूरा ये खेत अब तो बंजर पड़ गए हैं लेकिन कभी ये चालू थे। राज देखिए यार यहाँ से सामने किमखोली भी दिखाई देता है जो कि हमारे गांव का एक पार्ट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कई वीडियो में मैंने बता रखा है कि गांव एकदम बटा हुआ है, तो सामने किमखोली है। तो चलिए जी महपाल भाई वहीं है, मैं इतनी सी लकड़ियाँ लेकर आ चुका हूँ और अब जाऊँगा सीधे घर की तरफ, 12 बजने वाले हैं लगभग, और उनको भी लेके जाता हूँ स्कूल से, इनको भी स्कूल से लेकर आ चुका हूँ। आज क्या पढ़ तुम बोले? आज मैडम न्याई। मैडम न्याई, अच्छा चलो तो चलो चलो। और 12:30 बजे का टाइम, चल चल नहीं मारो चल चंदू आराम से हाल लमिंडा। तो चलिए जी अब आ चुका हूँ मैं घर पे, और आज भाभी जी क्या बना रही है खाने में, आज क्या बनो चा फाणो, अच्छा केक फाणो, मूंगा फाणो और चावल बनेंगे। और मौसम देखिए 12:30 से 1 बजने वाले हैं और इनको भी ले आया हूँ, और कैप्टन अमेरिका नीचे खेतों में बिच्छू घास यानी कि कंडली काट रहा है, देख सकते हो ये देखिए जी। तो चलिए जी अब नहाना धोना करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे और एक थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ 12:01 का। तो जो मैंने कहा था कि सतर्क रहे, गांव में चोरियां हो रही है, अनजान लोगों को गांव में ना घुसने दें बिना जान पहचान के, चाहे उनके पास आईडी हो या कुछ भी हो, जो फेरी वाले घुस रहे हैं इनको घुसने ना दें क्योंकि ये धीरे धीरे गांव की जानकारी इकट्ठा करते हैं और देखते परखते हैं कि कहां पे कौन है नहीं है और फिर जाके ये चोरी को अंजाम देते हैं। तो आपको मेरी राय क्या लगी और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए कि इन लोगों को गांव में ना घुसने दें। तो मैं अशोक रावत मिलूंगा आपको अगली किसी नई लोकेशन नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। और हम ऐसी आवाज़ उठाते रहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड एंड लव यू ऑल।